जय श्री कृष्णा। ओम पूजा पाठ यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सरल उपाय बताऊंगा। मान लो किसी कारणवश घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हैं, या लक्ष्मी जी रुठ गई हैं, या कोई भी कारण से माता लक्ष्मी नाराज हैं, तो एक छोटा सा उपाय करने से माता रानी प्रसन्न होंगे। कोई कार्य हो गया हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी लक्ष्मी माँ नहीं आ रही हैं, लक्ष्मी आपके घर से रूठी हुई हैं, आपको एक छोटा सा उपाय करना है। सभी जगह सुगम से बेल का फल मिल जाता है, बेल वृक्ष के पास जाएं और एक वहाँ से फल लेकर आ जाएं और उसे लाकर अच्छी तरह से सुखा दें। सुखाने के बाद बेल वृक्ष का जो फल लाए हैं आप, उसका अंदर का जो गुद्दा होता है उसको निकाल लें, अच्छी तरह से जलाएं और जलाकर एक कपड़े से छान लें। कपड़े से छान कर किसी चीज में उस भस्म को आप रख लें। जब ही आप शिव मंदिर जाते हैं तो आप ध्यान रखें, प्रदोष काल, प्रदोष बोलते हैं जो द्वादशी तिथि और रात्रि में त्रयोदशी तिथि हो, उसको प्रदोष बोलते हैं। 5 प्रदोष आपको शिव मंदिर जाना है, बेल वृक्ष के जड़ के पास चढ़ाना है और थोड़ा सा भस्म भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पण करना है, या 5 सोमवार आप लगातार यह उपाय कर सकते हैं। अगर प्रदोष आपको नहीं मालूम चलता है तो सोमवार तो सबको मालूम चलता है, तो 5 सोमवार को आप यह उपाय करिए। 5 सोमवार, और अगर किसी भी सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ जा रही है तो और अति उत्तम है। थोड़ा सा भस्म बिल वृक्ष के जड़ के पास और थोड़ा भस्म भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पण कीजिए और चढ़ाते समय श्री कुंद केशव महाराज का नाम लेकर आप वो भस्म चढ़ा दीजिए। क्या बोलना है? कुंद केशव, श्री कुंद केशव। और जो बेल वृक्ष के पास आप भस्म चढ़ाए हैं, थोड़ा सा वहां से उठा लें और माँ पार्वती का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर दीजिए और एक लोटा जल भगवान शंकर भगवान को अर्पण कीजिए, हर हर महादेव करते हुए। जब आप बेल वृक्ष के पास चढ़ा रहे हैं तो उस समय बोलना है श्री कुंद केशव। शंकर भगवान के पास अर्पण करने जा रहे हैं जब आप भस्म, उस समय बोलना है माँ पार्वती हमारी सारी मनोकामना को आप पूर्ण कीजिए। और जैसे ही आप एक प्रदोष, दो प्रदोष या 3 प्रदोष में यह कार्य करेंगे, उसे ही बाबा भोलेनाथ का आपके ऊपर कृपा हो जाएगी और जो कार्य आपका रुका हुआ है, व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार आपका चलने लगेगा। और जो माँ लक्ष्मी आपके घर की तरफ नहीं आ रही हैं, रुठी हुई हैं, वो माँ की कृपा आपके ऊपर हो जाएगा और आप धन्य धान्य से संपन्न हो जाएंगे। तो आपको तीसरे सोमवार से ही आपको यह मालूम होने लगेगा कि हमारा व्यापार अच्छा चलने लगा है, हमारा सारा कार्य अच्छा होने लगा है। बेलपत्र जो है माँ पार्वती का स्वरूप है, बेल वृक्ष भगवान शिव के स्वरूप है, और वो जो फल है, अब जब फल को अर्पण करते हैं तो माँ पार्वती और भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपका नैया तो पार लग ही जाएगा, आपका कार्य व्यापार दिन दुना रात चौगुना वृद्धि करने लगेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों में, परिवारजनों में, बंधु बांधवों में जरूर शेयर करें। जय जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, शंभू।